Again, friends, we'll start solving your problem. ये तो हो गया, टेन वाला हो गया। हेलो, ओके, ये वाला सॉल्व करते। ओके, ये भी मैंने बताया आपको, फिर से बता देता हूँ क्योंकि बीच में बहुत टाइम गया है। दिस इज द जनरल केस, whenever the capacitors are connected in this way, कोई कोई स्टूडेंट को अगर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन आई हैव टेक केयर, एक बार फिर से बता देता हूँ। आंसर सबको मालूम है, मेरे को भी मालूम है। ये अगर सी वन है, ये सी टू है, सी थ्री, तो आंसर ही आने वाला है, सबको मालूम है। आज मैं बताने जा रहा हूँ वो कैसे आया, सी वन सी टू सी थ्री। हालांकि मैंने ये बताया है, सॉरी फॉरगॉट टू शो यू द स्क्रीन। ओके, तो ये कैसे आता है बताने जा रहा हूँ। ओके, सबको मालूम है, लेकिन फिर से करते हैं। अब ये क्या करेंगे हम, ये देखो तो बेटा, ये जो है इसको मैं फिर से आपके सामने लिख देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। सी वन सी टू एंड सी थ्री, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, तो इसको बोलने का एक नाम दे दो, सी वन का वन, सी वन का टू, सी टू का वन, सी टू का टू, सी थ्री का वन, सी थ्री का टू। ओके, नहीं तो इसको देख लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके ओके, तो नाउ दे आर कनेक्टेड ना, सो हाउ दे आर कनेक्टेड, ऐसे कनेक्ट किए। तो ये देखो, ये पहला प्लेट, ये किसको कनेक्ट हुआ, ए को, तो ए को मैंने सी वन का पहला प्लेट वन लिख दिया। ओके, दूसरा प्लेट भूल जाओ, बाद में देखते हैं, सी टू का भी पहला प्लेट, दूसरा प्लेट जाओगे इधर, सी टू का दो नंबर का प्लेट आ गया, ये देखो सी टू का, और सी थ्री का एक नंबर का प्लेट, उसमें कौन सा प्लेट जुड़ा है इसको ये नहीं है, तीनों के प्लेट आ रहे हैं, हर एक का एक एक प्लेट आना चाहिए, तो वो आ रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इधर देखो सी वन का रिमेनिंग प्लेट, प्लेट नंबर टू, और सी टू का वन, देखो सी वन का रिमेनिंग प्लेट टू और सी टू का वन, ये इकट्ठा करके बी को चला गया, बी को, और सी थ्री का भी रिमेनिंग प्लेट, ये ऐसे आता है इन दिस वे इट्स कमिंग। तो ये फिर भी सी वन पैरेलल सी टू पैरेलल सी थ्री, तो कितना दिया यहाँ पे, थ्री थ्री थ्री, तो ये आएगा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, नाइन माइक्रोफेरेड, ये इजी रहता है। तो इसके लिए आपको ये प्रॉब्लम क्यों लिया, ये प्रॉब्लम के बाद में मैं आपको फटाफट सब तरह के कॉम्बिनेशन का रिविजन करूँगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला कॉम्बिनेशन ये बताया तो भी आप बता सकते हो, तीनों का पैरेलल। ओके, नाउ समटाइम्स दे आर गिविंग यू लाइक दिस, ये भी आपने किया होगा शायद। ओके, तो इसमें क्या करने का, ओके, सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेर यू आर कैलकुलेटिंग, सो ऑफ कोर्स यू आर कैलकुलेटिंग हियर, देन नो प्रॉब्लम, देन सी वन सी टू डिग्री इन सीरीज, सी फोर सी फाइव डिग्री इन सीरीज, आई विल कॉल दैट टू बी एक्स एंड दिस टू बी वाई, तो ये कितना मिलेगा, एक्स पैरेलल वाई पैरेलल, सॉरी एक्स पैरेलल सी थ्री पैरेलल वाई, समझ गए बेटा। ओके, और एक कॉम्बिनेशन आता है वो बैलेंस रेजिस्टेंस नेटवर्क के लिए आता है, वो आप सबको मालूम है, ऐसे करके देते हैं। और ये बीच वाला, अगर इसका इसका रेशो इसके इसके रेशो से सेम हो रहा है, तो उसको बैलेंस रेजिस्टेंस नेटवर्क से हम जोड़ सकते हैं, एरिटी में पॉइंट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, नेक्स्ट वी विल सी व्हिच प्रॉब्लम इज देयर। ओके, the same whatever I told you.
तो यहाँ पे भी स्क्रीन वगैरह दिखाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना ये C1, C3, C4, C5, C1, C3, C4, C5, ये कितना दिया 4, और C2 10, ये सब 4 है, मतलब इसको हम निकालेंगे, इसको हम निकाल लेंगे, और ये 1, 2, 3, 4 बचेंगे। तो इस सिस्टम का आप कितना आता है मैं बोल रहा था, जितना आपका वैल्यू दिया है सबका उतना आता है, तो सबका वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफेरेड। सो हियर ऑल्सो द आंसर विल कम 4 माइक्रोफेरेड। नाउ विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, आफ्टर दैट वी विल स्टॉप, एंड इफ यू वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम गिव इट टू मी, ओके आई विल बी सॉल्विंग इट एंड आई विल गिव यू, ओके। समटाइम्स इट मे इट इज प्रीटी डिफिकल्ट टू टेक ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू गिव मी आई विल सॉल्व फॉर यू, ओके। Now I have to calculate net capacitance of the system of capacitors. Okay, so let's draw the figure first. It's very simple. इसके बीच में एक है ऐसे वाला, अभी बताया था आपको मैं, तो भी इसको आप करो मेरे साथ करो और आपका आंसर चेक करो। दिस इज 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेट, 2 माइक्रोफेरेट, 1 माइक्रोफेरेट। इसको मैं टोटली सॉल्व करके देता हूँ, जो बच्चों को मालूम नहीं है कैसे करना है उनके लिए। अभी इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकाल के देता हूँ, सिंपल एकदम। ए ये दो दो वाले, ये पहले लिख निकाल, दो दो, आफ्टर दैट दिस विल बी देयर 1 माइक्रोफेरेट, आफ्टर दैट दिस विल बी 1, एंड ओके हियर द प्रॉब्लम इज देयर, ओके। What is the problem? B is here. Okay. B is here. So what do you have to do? Sorry. आपको इसको ऐसे देख, इसके भी ऊपर सोल्यूशन, सब सब प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन, इसको ऐसे देखना। तो ये तो बन जाएगा सीरीज में, तो इसका कुछ लफड़ा नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ये और ये, तो इसको करके दिखाता हूँ। वेरी सॉरी, आई डिड नॉट सी दैट क्या है वो, ठीक है। तो अभी क्या, ए से चालू करते, ठीक है, ए के बाद यहाँ से ये दो चले गए ऊपर, बाद में ये 1 माइक्रोफेरेड वाला आ गया, ए को दो ही है तो इसलिए इधर इतना ही है। इसके बाद ये 2, ओके, ऐसे दिखाने से अच्छा ना, लेट मी शो यू, ओके। आपको इसी में दिखाना चाहिए ना, मैं तो क्या डायरेक्टली करूँगा, डायरेक्टली करने के लिए क्या है, 2 2, मतलब इसका 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, और ये 2 और ये 2, इसका 1 आएगा और ये 1 1 का फिर से 2 आएगा, तो आंसर 2 आएगा। डायरेक्ट में कितना है, 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए प्रॉब्लम है, तो इसको ऐसे लिखो, ये अच्छा, ये अच्छा है ऐसा, इसको ऐसे रखने का, बीच वाला ये हो गया इधर, ये 2 है और ये 2 है बराबर, तो इनको यहाँ देखा, वो पैरेलल है ना, ये और ये टोटल, और बाद में सीरीज में ये हो गया, ये सर्किट निकाल के, हाँ ये कितना है, ये है 2 एंड 2, मतलब यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये 2, ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, तो ये 2 2 का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 2 का फिर से 1, 1 प्लस 1 2, ऐसे हो जाए, दिस इज द थिंग, ओके। समटाइम्स आपको ऐसे भी पूछ सकते हो, कुछ आपको ऐसे भी पूछ हैं, कैसे मतलब एक सर्कल देते हैं, सम स्टूडेंट ऑल्सो आस्क मी लाइक दिस, सर्कल में आपको अलग अलग टाइप के कैपेसिटर दे सकते हैं, ऐसे वाले, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से कनेक्ट किया उसको वो देखते जाएंगे, कुछ भी है उसको देखते जाएंगे, और देखते के सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप एक बाजू को कुछ नाम दे दो ए, बाद में इसको बी दे दो, जहाँ जहाँ जंक्शन है, सो नेम द जंक्शन, इम्पोर्टेंट, नेम द जंक्शन पहले पहले के लिए, बाद में आपको व्हेन यू विल हैव प्रैक्टिस एट दैट टाइम देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, आप तो वैसे तो करते जाएंगे, दैट इज नॉट अ बिग इश्यू, ओके। सो हियर टुडे वी शैल स्टॉप हियर, एंड
Wish you all the best luck. Okay. So today I am expecting from you what? Problems on capacitors. तो थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ क्या क्या लिया हमने, वो भी अच्छा चलेगा. ओके, पहले वाला लिया हमने ये कोसेस ऑफ सो स्मॉल ड्रॉप इनटू बिग ड्रॉप. बाद में लिया हाउ द कैपेसिटर गेट्स अ कैपेसिटी. देन होमवर्क को दिया है ये, सॉरी ये कोसेस वाला था ना, ये कौन सा था, ये कंडक्टिंग प्लेट का ये कोसेस वाला था. आफ्टर दिस इज One is charging and discharging. Okay. No, charging and charging only, not discharging. Only we have changed the source. Here also one combination. Here too important. It's going IMP. So right over here. IMP. Okay. It's very important because many times in this type of it comes. Okay. This is very important. This one. This is also IMP. Okay, this you knows, so there is no problem. This I have explained well, no problem. So thanks a lot for watching my lecture. Okay, thank you. Thanks. Regards, AVM.